बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एंड विद द टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट बोहर्स एटॉमिक थ्योरी एंड वी स्टडी अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल and we even find out the difference between these two models and why Rutherford rejected and why Bohr's atomic model accepted. हम लोगों ने इस चैप्टर में साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, थ्योरीज के बारे में पढ़ा, प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स के डिस्कवरी के बारे में पढ़ा। अब जब हमारे पास एक बेसिक एटम डिस्कवर हो गया है जिसके अंदर शेल्स हैं, जिसके अंदर सब शेल्स हैं, अब हमने क्या डिस्कवर करना है? उसकी कन्फ्यूग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन डिस्कस करनी है। जब मैं इसको टॉपिक को पढ़ूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कन्फ्यूग्रेशन किसे कहते हैं और किस तरह हमने एटम को जो है वो डिवाइड करना है, किस तरह वो शेल्स और सब शेल्स में डिवाइड हुआ है, क्या उसके नेम्स हैं, सब कुछ। इसमें बेसिकली जो मेन, इस पूरे चैप्टर का जो मेन बेसिक पार्ट है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमने डिस्कवर कर लिया एटम, हमने उस एटम के अंदर शेल्स और सब शेल्स को डिस्कवर कर लिया। अब हमारे पास है कि हमने उसको इलेक्ट्रॉनिकली कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेसिकली? हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कि जैसे हमारे पास है एक एटम, ठीक है, एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या घूम रहे हैं? ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स में बेसिकली ऑर्बिट्स किस में डिवाइड हुए हैं? शेल्स में। ठीक है, शेल्स में हम लोग नंबर ऑफ़ एटम्स लिख लेते हैं कि फर्स्ट शेल में आएंगे 2 नंबर ऑफ़ एटम्स, सेकंड में आ सकते हैं मैक्सिमम 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर 5 हैं तो हम क्या करेंगे, या 6 हैं तो 3 और 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और इलेक्ट्रॉन से ले लेंगे और अपना शेल कंप्लीट कर लेंगे। और अगर हमारे पास सिर्फ 2 हैं आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि सबसे बाहर वाले शेल में, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसको आउटर मोस्ट कहते हैं, और अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ, तो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीट नहीं है, हमें तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, या तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने कंप्लीट करना है शेल को, या तो हम लोग जो हमारे पास पहला शेल है 2, सिर्फ 2 तक ही रहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर बाहर वाले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम किसी और एटम को दे देंगे, और हमारे पास जो एक पहला शेल होगा वो होगा कम्प्लीट विद टोटल नंबर ऑफ एटम्स विच इज़ 2। ठीक है, यानी कि पहले शेल में 2 होने चाहिए और इसमें भी क्या है, 2 है, तो इसका मतलब हमारा शेल कंप्लीट है। हमने किसी भी एटम की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है तो ऐसा नहीं करना कि हम इसको जो है वो कहते हैं ना कि अधूरा आप लोगों को छोड़ दें और जो नेक्स्ट पर आप जंप आउट कर जाएं, ऐसे नहीं। आपको अपना हर शेल कंप्लीट करना है, पहले आपने देखना है कि हर शेल में, फर्स्ट शेल में नंबर 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और सेकंड में 8 होने चाहिए। आपने 8 किसी भी तरह कंप्लीट करने, और अगर नहीं हो रहे तो गेन, बाय गेनिंग और लूजिंग कुछ भी करके आप उसको कंप्लीट करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन शेल विल बी डिस्कस्ड। ठीक है, एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। एन हमेशा रिप्रेजेंट किसको करेगा, एनर्जी लेवल को। वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन। They are designated by alphabets K, L, M and so on. A shell closer to the nucleus is of minimum energy. Basically क्या हम बात कर रहे हैं एटम की, एटम के अंदर क्या होते हैं, शेल्स बने हुए होते हैं। ठीक है, शेल्स बेसिकली क्या हैं, वो एक ऑर्बिट के अराउंड घूम रहे हैं, जैसे अर्थ एक ऑर्बिट है, सन सन के अराउंड घूम रहा है, इसी तरह शेल्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हमने बेसिकली क्या बताना है कि हर शेल का उन्होंने नेम रख दिया। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर सबसे पहला शेल, और उसके बाद दूसरा शेल, उसके बाद तीसरा शेल। जो सबसे पहला शेल है उसका नाम है K, सेकेंड शेल का नाम है L, और थर्ड शेल का नाम है M। यानी कि जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे शेल्स बढ़ते जाएंगे। अगर कोई ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर सिर्फ 2 है तो उसके अंदर सिर्फ जो है वो K शेल आएगा, क्योंकि K पहला शेल है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेकंड जो होगा वो L होगा, जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 8 चाहिए, और अगर 8 कम्प्लीट होंगे तो यानी कि हमारा L शेल जो है वो कम्प्लीट है। नेक्स्ट है M। अगर कोई एटॉमिक नंबर जिसका एटॉमिक नंबर जैसे 32 है या फिर अबव 20 है, तो क्या होगा कि उसके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे M में, M शेल में। ठीक है,
सिंस के शेल इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, सबसे पहला शेल जिसे मैंने आपको बताया कि वो सबसे पहले शेल को के कहते हैं, तो वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोजेस्ट होता है. द एनर्जी लेवल शेल इंक्रीज फ्रॉम के शेल ऑनवर्ड्स. एनर्जी लेवल क्या होगा, के से ऑनवर्ड इंक्रीज करना शुरू कर देगा, यानी कि वो न्यूक्लियस के सबसे करीब है. तो एल जो होगा उसका एनर्जी लेवल के से ज़्यादा होगा, एम है तो उसका एनर्जी लेवल एल से ज़्यादा होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए बिकॉज दे आर फार फ्रॉम द न्यूक्लियस. नेक्स्ट इज एन शेल कैन अकोमोडेट 32 इलेक्ट्रॉन्स. के एल एम एन, के है सबसे पहला शेल, सेकेंड है एल, थर्ड है एम, एंड एन है फोर्थ. एन में उन्होंने क्या कहा है, 32 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं. के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में हमारे पास मोर देन 2, एम में मोर देन एल, और एन में 32. देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द सब शेल्स विद इन अ शेल. अब जो है हमने क्या बात करनी है, यहाँ पे हमारे पास है एक एटम, ठीक है. एटम के अंदर है हमारे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि और जो शेल्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं. शेल्स के नेम हैं के, एल एंड एम एंड एन, दीज आर शेल्स. उन्होंने कहा है इन शेल्स के अंदर भी सब शेल्स हैं, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपने सब शेल्स के फॉर्म में डिवाइड करना है. अब हम सब शेल्स के बारे में पढ़ते हैं. फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सब शेल्स ऑफ अ शेल इज डिस्क्राइब्ड एज वी सब शेल इज फिल्ड फर्स्ट. अभी मैंने आपसे बात की कि हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर डिवाइड करने के लिए हम जो है उनको सब शेल्स में कन्वर्ट कर देंगे. जो पहला शेल होगा हम उसको सब शेल में कंसीडर करेंगे, यानी कि के, के के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले, सबसे पहले जो है उसका जो है वो सब शेल बनेगा, ठीक है, यानी कि वो फिल होगा. पी सब शेल, और उसको हम नाम दे देंगे एस का, ठीक है. नेक्स्ट इज पी, एस पी, पी जो है पी सब शेल, एंड देन अदर सब शेल आर फिल. द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सेल शेल सब शेल्स अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स एज एस सब शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सब शेल कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर आयंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स. इस सब सारी जो एक्सप्लेनेशन थी उसमें सिर्फ आपको जो बार बार चीज़ रिपीट की जा रही है वो यही है कि हमारे पास एटम के अंदर शेल्स हैं के, एल, एम एंड एन. उन्होंने उसको इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में उसको सब शेल्स में कन्वर्ट कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जो पहला शेल है, सब शेल है, वो है एस, सेकेंड है पी. एस में हमेशा 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते. उन्होंने ये फिक्स कर दिया है कि 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे. सेकेंड सब शेल है हमारे पास पी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ 6 आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं. यानी कि अगर कोई ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का आप एटॉमिक नंबर लें तो 8 है, ठीक है. तो पहले शेल होगा एस में कितने आएंगे, 2, एस में 2 आ गए नंबर ऑफ एटम्स, एंड पी में आ गए 6, तो ये हो गए कंप्लीट 8. अगर किसी का एटॉमिक नंबर 10 है सपोज, तो क्या होगा, एस में 2 आ जाएंगे, पी में 6 आ जाएंगे, और जो बाकी जो बचे होंगे वो नेक्स्ट सब शेल में आ जाएंगे. सब शेल सिर्फ हमारे पास 2 हैं, एस एंड पी. इनकी फर्दर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो कि आपने याद करनी है, ठीक है. अभी वो हम नेक्स्ट उसको रीड आउट करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स. आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है. ये डायग्राम जो है वो आपको ये बता रही है कि हमारे पास एक एलिमेंट है जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है. सबसे पहला शेल कौन सा है, के, सेकेंड है एल, देन एम. आपने के में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आने हैं, आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए. देन नेक्स्ट में आपने 8 बनाने हैं, क्योंकि उसकी अकोमोडेशन ही 8 तक है, 8 से ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन्स उसमें अकोमोडेट नहीं कर सकते. एल में आगे 8, नेक्स्ट कितने बच गए, 1 जो बचा होगा वो एम में चला जाएगा, ठीक है. इस तरह हमारे पास के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. अब हमने शेल्स में तो डिस्ट्रीब्यूशन कर ली, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जहां आपने शेल्स को डिस्कस करना है, वहीं आपने डिस्कस करना है सब शेल्स को. सब शेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा वो हम याद करेंगे. स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का एक मेथड. एस एस पी एस पी,
स्कूल, एस फॉर स्कूल, एस फॉर स्कूल, पी फॉर पब्लिक, एस फॉर स्कूल, पी फॉर पब्लिक। आपने इसको याद रखने का बेहतरीन तरीका है कि आप एक जैसे पॉइंट को याद करते हैं वैसे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक। ठीक है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है अब हमने। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1s2, देन 2s, देन 2p, क्योंकि ये देखें 2 times s था तो हम 2 times पहले s लिख लेंगे, s एंड s। फिर उसके बाद था p, हम लिख लेंगे p, फिर क्या था s, फिर हम लिख लेंगे s, और फिर क्या है p, एंड देन वी राइट p, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक। अब हम लोगों ने जो 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे एक एलिमेंट में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। एस में मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और पी में 6 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। 1s2, 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब सबसे पहले एस में 2 आते हैं, तो हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लिख लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2s2, यानी कि स्कूल 2 times था, हमने 2 times ही एस लिखना है, तो इसके में इसमें भी 2 आएंगे, क्योंकि 2 से ज़्यादा एस में आ नहीं सकते। तो यानी कि अब टोटल 4 कवर हो चुके हैं, बाकी कितने बच गए हैं, 7। अब हमने 7 अकोमोडेट करने हैं। स्कूल स्कूल के बाद क्या है, पब्लिक, यानी कि पी। अब हम लिखेंगे 2p, पी में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6, हम लिख लेंगे यहाँ पे 6। अब टोटल कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एस के ऊपर 2 लिख लिया, एस के ऊपर 2 लिख लिया, 2, 2, 4, पी के ऊपर लिख लिया 6, क्योंकि इसमें 6 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 6 and 4, 10 हो गए। अब हमारे पास बचता है 1। स्कूल स्कूल पब्लिक तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, स्कूल, क्योंकि पब्लिक के बाद क्या आ रहा है, स्कूल, हम लिख लेंगे 3s, एस के ऊपर क्या लिख लेंगे, 1, क्योंकि हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स तो कवर हो गए थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया था, तो हम लोगों ने उसके ऊपर लिख लेना है 1। ये हमारे पास होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे 11, और हमने कॉन्फ़िगरेशन करके उन पूरे इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर दिया है इस डिस्ट्रीब्यूशन में। आप लोगों ने याद कर लेनी है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक पे। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्ज़ाम्पल 2.2, राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन आइंस। क्लोरीन आइंस में क्या है, 17 बेसिकली उसका एटॉमिक नंबर है, उसके ऊपर माइनस आप साइन देख रहे हैं। ठीक है, माइनस साइन का मतलब है कि उसने अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से लिया है, इसलिए 1 हम ऐड कर लेंगे, और हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 18। अब हमने उस 18 इलेक्ट्रॉन्स की कन्फ्यूग्रेशन करनी है। अब हमने उसकी कन्फ्यूग्रेशन कैसे करनी है, हम लोगों ने पहले शेल्स में बताना है, फिर हम लोगों ने बताना है सब शेल्स में। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग नहीं दी हुई, लेकिन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट। सबसे पहले आपका शेल है के शेल, देन एल शेल, देन एम शेल। के में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, आपने लिख लेना है 2। एल में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, तो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब टोटल है 18 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। आप लोगों ने आपने के में 2 लिख लिए, एल में 8 होते हैं, 8 लिख लिए, 10 हो गए। अब हमारे पास कितने रहते हैं, 8। एम में आप लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं, जितने बच्चे होंगे वो लास्ट वाले आउटर मोस्ट शेल में आ जाएंगे, तो उसमें कितने आ जाएंगे, 8। अब हमारे पास क्या है, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में 8 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एम में भी 8 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका करना है हमने कन्फ्यूग्रेशन। सबसे पहले आप लोगों ने ऐसे लिख देना, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक। ठीक है, इसको साइड पे इस फॉर्मेशन को लिख लें, SSPSP। आपको पता चल जाएगा कि आपने 2 times s लिखना है, फिर आपने 1 time p लिखना है, 1 time s, देन p। आप लोग कन्फ्यूग्रेशन करनी है, 1s में कितने पहले नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, क्योंकि 2 से ज़्यादा आ नहीं सकते, 2 से कम नहीं आ सकते, 2s2, 2p है, p में कितने आएंगे, 6, 3s2, 3p, 6। अब आपने काउंट करना है कि ये पूरे 18 हो गए हैं, 2, 2, 4 and 6, 10, 10 and 2, 12, 12 and 6, 18। ये हमारे पास होगी कन्फ्यूग्रेशन क्लोरीन आइंस की। ठीक है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक। आपने ये याद रखना है कि एस में 2 ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं, और सिक्स में पी में 6 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, the electronic configuration of first 18 elements, the sequence of filling of electrons in the different subshells, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. इसमें हम लोगों को उन्होंने क्या बता दी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। ठीक है, एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन।
हाइड्रोजन की वन है तो 1s1 आ जाएगा। ये देखिए आप, हाइड्रोजन का वन होता है, तो अब अगर एस में टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डैट डजेंट मीन कि आपने यहाँ टू ही लिखना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वन लिखा है तो आपने एस में वन लिख देना है, क्योंकि टू से कम भी आ सकते हैं, टू तक आ सकते हैं, टू से कम और टू तक इसमें आ सकते हैं, ठीक है। अगर टू से ज़्यादा है तो उसके लिए आपको जो है वो आप नेक्स्ट शेल में चले जाओगे, यानी कि 1s स्कूल स्कूल था तो आपने 1 स्कूल में 2 का अकोमोडेट कर लिए और 1 जो है वो अगले स्कूल में चला गया। हीलियम के 2 हैं तो 1s2, लिथियम के देखिए 3 है तो वो नेक्स्ट में चला गया 1s2 2s1, बेरिलियम के 4 हैं तो 1s2 2s2, बोरॉन के 5 हैं तो 1s2 2s2 2p1, क्योंकि 2 एंड 2 4 हो गए, देन सिर्फ हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचता था जिसको हमने लिख लिया नेक्स्ट सब शेल में। कार्बन के 6 हैं 1s2 2s2 2p6, नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन 9 होते हैं 1s2 2s2 2p5, नियॉन 10 1s2 2s2 2p6, सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1, मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 3s2, एल्युमिनियम 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, सिलिकॉन 14 होते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं आपको दोबारा से सारा रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। इट्स नॉट ईजी, ठीक है, आपको लग रहा होगा अभी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक इस सीरीज़ को याद कर लिया तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना ईजी है। कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर 10 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर उन्होंने दे दिए सपोज, तो आपको पता है स्कूल स्कूल पब्लिक है तो आपने इस वे में लिख लिया। एस में आपने देखने कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2। एस में सेकंड एस में 2। 6 पी में कितने आते हैं, आपने देख लेना 10 हमने कंप्लीट करने हैं किसी तरह, तो पी में कितने मैं लिखूंगी कि 10 जो है वो टोटल हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही हम एस में 2 और एस में 2 लिख चुके हैं, मतलब कि 4 कंप्लीट हो चुके हैं, तो पी में हम लोग 6 लिख देंगे ताकि 6 और 4 10 हो जाएं, ठीक है। हमें नेक्स्ट सब शेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, कंप्लीट हो गए हैं। पहले आपने शेल्स बनाने हैं के एल एम एन, उनमें इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर लेना, ठीक है, कि के में 2 आएंगे, एल में आपने 8 ही पूरे करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन के टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 5 हैं तो पहले में आपने 2 लिख देने हैं, तो बाकी एल में जो कितने आएंगे 3 आएंगे। इट डजंट मीन कि आपने उसमें 8 ही कम्प्लीट करने हैं, जितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स आपने उतने ही अकोमोडेट करने हैं उसके अंदर। जब शेल्स में कम्प्लीट हो जाएगा देन यू हैव टू गो फॉर द सब शेल्स, ठीक है। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, मैंने इस टॉपिक को इसलिए स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया था कि आप जो है अभी अगर आप लोग आपने ये लेक्चर जो है वो ले लिया है या आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है तो अभी यू हैव टू गो टू द प्रैक्टिस पॉइंट और जो है एग्जांपल्स को डिस्कस करें, कोई भी एलिमेंट लेके उसका एटॉमिक नंबर लेके उसकी कॉन्फ़िगरेशन करें। यहाँ पे इतनी ज़्यादा मैंने एग्जांपल्स को डिस्कस किया है, आप कोई भी एग्जांपल लें और उसकी कॉन्फ़िगरेशन खुद से करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी पार्ट जो है वो मुश्किल लग रहा है या कुछ भी समझ नहीं आ रही कि कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट जो है वो कहीं से मिसिंग है या मैं समझ नहीं पा रहा या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की समझ नहीं आ रही, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आप फ्रीली और फ्रैंकली मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं, कुछ भी हेजिटेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप यहाँ सीख जाते हैं तो इट्स वेरी वेरी गुड, क्योंकि नेक्स्ट इसी से ही रिलेटेड हमारे पास आइसोटॉप्स हैं और हमारे पास इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है और इसी से ही रिलेटेड हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है। वह आपको कोई भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट दे सकते हैं, यानी कि उसमें बता देंगे कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपने जो है उनको यू हैव टू स्टडी अबाउट इट, तो आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है तो आपको ईजिली आनी चाहिए। सिर्फ आपने क्या करना है, सीरीज़ याद करनी है। वो क्या है कि आपको पता नहीं है शेल में क्या है, के एल एम एन और इसमें आपने अकोमोडेट कर देने इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि आप पिछले चैप्टर से करते आ रहे हैं। नेक्स्ट में क्या है, आपने इनको सब शेल्स में डिवाइड कर देना है, स्कूल पब्लिक। बस ये 5 सीरीज़ है वर्ड की आपने लिख लेनी है, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, बहुत इजीली। एस में आपको पता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स वो अकोमोडेट करेगा और पी क्या है वो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेगा। आपने उसी तरह जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वैल्यूज पुट करते जाना है एंड इट विल बी कम्प्लीट, ठीक है।
if you didn't understand, you can ask me, okay? And in the next lecture, we will discuss about the isotopes and uses of isotopes, और isotopes किस तरह जो है वो हमारी biology field से relevant हैं, और वो कौन कौन से जो है वो diseases में हम उनको use कर सकते हैं. उसके अलावा हम लोग short questions को discuss करेंगे, वो short questions जो कि आपकी exercise यानी कि आपकी book में नहीं हैं और वो conceptual हैं, हम उनको एक one by one discuss करेंगे. और मैंने इससे relevant आपको बता दिया कि आपको paper में कैसे questions आ सकते हैं, ठीक है? वो आपको कोई भी element दे सकते हैं, आपको उसकी electronic configuration करनी होगी. इसलिए मैं आपको कह रही हूँ अभी से practice करें. आप जितना practice पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से ही बिल्ड हो जाएगा आपका, तो आगे आपको वो आउट ऑफ द बुक पे आपको क्वेश्चन दें तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू फ्रॉम द सीरीज. ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़.